चढ़ाया, आधा देता जमीन शुक्रवार ने, आधा को दे दिया व्यवस्था कर, दोनों के आधे आधे ग्लास से दोनों को पैक किया। तो माँ ने कैसे व्यवस्था बना के दी कि चलो कुछ तो ये लोग किए, एक को शुक्राना नहीं है, वो आधा भी अपने क्रोध में त्याग के गया तो नुकसान किसका हुआ, और जिसने पी लिया शुक्र है माने व्यवस्था तो करती हमारे, इतना भी हमको इसने दे शुक्राना भी गया और दूध को प्राप्त करके शक्ति भी पाई। ये नजरिया है, ज्ञानी अज्ञानी का नजरिया। एक हर तरह की प्रारब्ध के साथ खुश है, प्रसन्न है, शुक्राणु में अभी भी प्रभु तुम्हारी कृपा तभी जी रहे, अभी भी तुम्हारी मेहर है प्रभु, अभी भी लाखों से करोड़ों से अच्छे, और इनके पास सब कुछ है, फिर भी किसी न किसी बात को लेकर उसे दुखी होना है, उसे शिकायत करनी है, उसे लड़ाई झगड़ा करे द्वेष करना, तो गुरु की पसंदगी हो सकती है कि हम फोटो में करें, हम भेद बुद्धि रखें, हम मेरा मेरा करें, हम झूठ सच करें, हम हेरा फेरी करें, ये भगवान की गुरु की पसंदगी। भक्त ने तपस्या करी, प्रभु प्रकट हुए, मांगो बोला अभी तो चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दर्शन में इतना आनंद है प्रभु, अभी तो मुझे कुछ कमी नहीं लग रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे दर्शन में मेरे सारे दुख दर्द हर लिए, सारे अभाव हर लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा देख तुमने तप करके मुझे प्रसन्न किया है, छाया है, मैं तो दे देना चाहूंगा। भक्त सोचने लगा पर उतना आनंदित था, बोला प्रभु अभी माफी दो, ठीक है जब कभी मुझे जरूरत हो तब उसका माता। अब एक बार उसका पक्का हो गया, किसी दिन अंदर में साइड में भगवान को रखा हुआ, फिर धीरे धीरे कभी कभी इंसान आशीर्वादों को शक्तियों को संभाल नहीं पाता है, धन संपत्ति को भी जब वो संभाल नहीं पाता है तो क्या होने लग जाता है, गुरु शक्ति से सताने का काम करता है। थोड़े से अधिकार किसी को मिलते हैं, जब तक नहीं मिलते हैं तब तक कैसे मिलेगी बाबू, कैसे काम बनेगा, कैसे भगवान सब ठीक होगा, और जहाँ सब ठीक होने लग जाता है तो फिर इंसान का मनमाना आचरण होने लगता है। उसको लगा भगवान को तो मैंने साइड पे रख दिया, सीना चौड़ा करके चलने लगा। एक बार किसी से पक्का भी हो गया, अंदर में तो था कि भगवान आ रहे हैं, मैं तो जो भी कहूँ उसको जो भी कर भगवान को मेरे साथ, दोनों में इतनी पैसा पैसा मारपीट पे बात आ गई, इसने भगवान का स्मरण किया, भगवान आए। जब आए थोड़ी देर तो वो रुके, उन्होंने देखा, थोड़ी देर रुके फिर वो वापस चले। अब इसकी हड्डी पसली को रुके क्योंकि भगवान को साई कर, जब हड्डी पसली क्योंकि बिस्तर पे बड़ा करके, दो चार दिन के बाद भगवान ले, भगवान ने देखा बोला ये यार इसके क्रोध की देख लिया, दुनिया तो है ही ऐसी, मतलब ही तुम भी मतलब लो, क्या वायदा किया था, जब मैं याद करूँ जब मैं बुलाऊ तो आ जाता, तुम भी दुनिया वालों की तरह हो गई। भगवान ने बहुत प्यार से बोला मैं आया था, तेरे बुलाने से मैं आया था, मैं रुका भी वहां पर, मुझे वहां अपना भक्त नहीं मिला। जिस भक्त ने तपस्या करी थी साधना करी थी वो भक्त मुझे नहीं दिखा, मैं सोचने लगा इसमें मेरा भक्त कौन था, तो कहता क्यों तो मुझे भूल गए इतने जल्दी, बोला नहीं भूला तो नहीं, बुलाने पे तो दे रही है, पर जिस भक्त ने तपस्या करी थी वो ऐसा नहीं,
लड़ाई चल रहा है, तेरे में इतना क्रोध इतना आवेश, तो मेरे भक्त तो भगवान की और गुरु की पसंदगी क्या हो? हम प्रेम वाले हो, हम साफ हृदय वाले हो, हमारे जीवन में लापता हो, हमारे जीवन में सच्चाई हो, हमारे जीवन में सरलता हो, बालक वत मुस्कुराहट में व्यंग ना हो, वाणी में कटुता ना हो, वाणी में माधुर्य हो, वाणी में आत्मीयता हो, प्रेम हो। दुनिया में जाके देखो लोग सवेरे दिन का सुना, जब राजा ने कहा सबसे गंदे से गंदी चीज लेकर आओ, एक से गंदी मल मूत्र निष्ठा, गंदे से गंदी चीज लोग लेके गए। पीछे से एक व्यक्ति आधी कटी हुई जबान बोलते थे, राजा ने कहा इससे क्या बताना चाहते? बोला राजा साहब इस धरती पे अगर कुछ गंदा है खराब है तो ये है, इस जैसा खराब और गंदा भी कौन कैसे? बोला जब ये गलत चलती है तब आप जाके देखो, जबान से ही लोग कभी कड़वा बोल के गंदा बोल के गलत बात बता के कितनों के मन को मैला कर देती, कितनों के जीवन को पथ भ्रष्ट कर देती, कितनों के रिश्तों को कितने की कितनों की खुशियों को नदी को ये जवानी तो काट के एक किनारे कर देती। कभी भी किसी को खुशी नहीं देना, किसी की तारीफ नहीं करना, किसी को भी प्यार से कुछ बोलना नहीं, क्या ये जवान कर अशांति कलह क्लेश गलत बातें बता बता के उस तरफ लोगों को गरमा दे? राजा को बातें सच्ची नहीं, महीने भर बाद राजा को दबाव देती, ऐसा भूत इंसान मैंने गंदगी बताई। अब मैं अपने राज्य में जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब का दर्शन करना चाहता, ऐलान करवा राजा सब अच्छी चीजों का दर्शन करना चाहता है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं सब लाई जाए, एक से एक सुंदर और अच्छी खूबसूरत चीजों का जमावड़ा लग गया। वही आदमी फिर वही आदि करती जवान दिखा। राजा ने कहा अब क्या बताना चाहता है इससे, जिंदगी तो इससे तूने बता दी। बोला राजा साहब इस जैसा अच्छा सुंदर उत्तम इस धरती पे कुछ और नहीं है। पूछा कैसे? बोला इसमें वो ताकत है जो तुम्हारा किस लोग को भी सुधार दे पर लोग को भी सुधार दे। अगर किसी के पास मीठी जबान है तो उसके घर में क्या रहेगी? खुशहाली, आने वाला भी प्रसन्न, रहने वाला भी प्रसन्न, संग करने वाला भी प्रसन्न। और ये शब्द में इस जबान में ताकत है, जब कर करके सिमरन कर करके लाखों ने इसको जब करके जीवन अपने को संवारा। सब रोग की औषधि सतगुरु जी सांचा नाम तुम्हारा है, बहुमे वैसे वैसे सब जीवों को ये बार उतार रखा है। आज गुरु हमें वाणी ना सुनाए तो हमारा उद्धार हो सकता है? हमारे और गुरु के बीच में रिश्ता किसका है? गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, बीच वाणी अपरसा। अगर वो हमें सत्य ना सुनाए तो हमारे मन को अच्छा लगे, हमें कोई दिशा मिले, हमारी दशा सुधरे, नहीं हो सकता। तो हमारे शास्त्रों ने संतों ने शब्द को ब्रह्म की उपमा दी, शब्द ब्रह्म है। वाणी सुनते सुनते तुम्हारे पिता का ब्रह्म भाव जागृत हो जाता है, भगवत भाव जागृत हो जाता है। ये श्रवण का महत्व है, अच्छा श्रवण अच्छा मनन तो अच्छा नित्यासन। कैसे आज भजन के माध्यम से उमा कहूं मैं रहूं